सबसे पहले आपने सेंटरिंग लेवलिंग की, इसकी सब कुछ तैयार है। अब आपने जो स्टिक आउट करनी है, स्टिक आउट कैसे करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट आपके पास, टोपो कर चुके हैं। हाँ, टोपो हो गई आपके पास ना, ठीक है। और आपने अभी दूसरा जो है ना, इसका स्टिक आउट करनी है। आपके पास दो पॉइंट हैं और आपके पास उनको पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हैं, आप उनसे टोपो करना चाहें या स्टिक आउट करने चाहें। सबसे पहले आप जॉब बनाएं, फाइल, न्यू जॉब। पहले हमने ए बी सी लिखा था, अब हम डी, अल्फाबेट डी ई और एफ। ठीक है, ये हमारी फाइल है, इसको एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हमारी फाइल डी ई एफ ये ऊपर शो कर रहा है, बन गई है। उसी तरह हम सर्वे करेंगे, सर्वे पे क्लिक करेंगे, स्टेशन सेटअप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम इसका पॉइंट नेम देंगे वन, और की इन करेंगे इसको, की इन। यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे नॉर्थिंग 1000, ईस्टिंग 1100, एलिवेशन 100, कंट्रोल पॉइंट करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, वो हाइट मांग रहा हमसे, हाइट है इंस्ट्रूमेंट की 1.5। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर एक्सेप्ट। अभी वो पूछ रहा है बैक साइड पॉइंट, बैक साइड पॉइंट हमने मिसाल के तौर पे दो दिया है, पहले हमने अजमिथ किया था इधर, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट हैं बैक साइड के, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, की इन करेंगे, कोऑर्डिनेट देंगे। मिसाल के तौर पे 2000 नॉर्थिंग है, ईस्टिंग 2200 या 2100 कर लें, ठीक है। एलिवेशन है 99.254, और यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट करेंगे और इंटर स्टोर कर देंगे इसको। वो कह रहा बैक साइड हाइट क्या है आपकी, 1.30 बैक साइड हाइट, 1.30। ठीक है, वो कह रहा है बैक साइड जो है आपकी अजमीथ जो है 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री और 0 मिनट 0 सेकंड जो आपने इसके अंदर कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको इंटर करेंगे, ठीक है, और इसको आप 45 डिग्री पे घुमाएंगे, ठीक है, जहाँ भी आपकी बैक साइड पॉइंट है, आप वहाँ पे बैक साइड पॉइंट पे करके इसको बैक साइड पॉइंट साइड करेंगे। ठीक है, साइड करने के बाद आप इसको, जब आपको प्रिज्म नज़र आ रहा हो बिल्कुल ठीक है, मेजर करें इसको, ठीक है। और वो आपने यहाँ पे वो बता रहा है फ़र्क कितना है, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड है, वर्टिकल एंगल -1, 47 डिग्री 29 मिनट 0 सेकंड, डिस्टेंस कोई नहीं है। वो 45 डिग्री जो आपके उसने बताया था 20 तरफ आपने जाना है 45 डिग्री, वो बता रहा है कि 45 डिग्री पे मैं हूँ इस वक्त। ठीक है, इसको आप स्टोर कर दें, आपका स्टेशन सेटअप कम्प्लीट हो गया। अब आप यहाँ से सर्वे में जाएँ, यहाँ पे आपने मेजर टोपो करनी है, उसी तरीके से टोपो पे क्लिक करें और आपने मेजर करते जाएं, टोपो सर्वे आपकी होगी सेम सेम पहले वाला तरीका। और अभी आपने स्टिक आउट करनी है, स्टिक आउट पे क्लिक करें, पॉइंट से करनी है स्टिक आउट, लाइन से करनी है, आर्क करनी है या अलाइनमेंट से करनी है। ज़्यादातर हम पॉइंट से करते हैं, पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने पॉइंट नेम देना, मिसाल के तौर पर हमने 5 देते हैं पॉइंट नंबर, और उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है तो यहाँ पर की इन करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट देंगे। साल के तौर पे हमारे पास 2500, ईस्टिंग है 2600, अपनी तरफ से दे रहे हैं फर्जी, ये हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। और जो लेवल है हमारा एलिवेशन 89.325, यहाँ से कंट्रोल पॉइंट, स्टोर पॉइंट, यहाँ से स्टिक आउट करेंगे फिर इधर से, ठीक है, स्टिक आउट करेंगे, वो घुमाएगा, ये तीर के निशान नज़र आ रहे हैं आपको, वो बोल रहा है इधर जाना है, आपने इधर जाना है, ठीक है, ये खुद ब खुद देखा। आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो बोलेगा गो राइट, 45 डिग्री पे जाना है, आप थोड़ा सा इधर करेंगे ज़्यादा, वो गो लेफ्ट बोल रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आपने देखना है हॉरिजॉन्टल कितना है हमारे पास, 9 डिग्री 52 मिनट और 40 सेकेंड, ये हमने 0-0 करना है। जब हमारा ये 0-0 हो गया तो समझ लें हम एग्जैक्ट पॉइंट पर हैं। तो ये देख, मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ 0-0 इसको, right.
ये 0-0 होगा, ये 0-0 जैसे ही होगा ये अपनी असली पोजीशन में आ जाएगा, बोलेगा यही आपका पॉइंट है, प्रिज्म नहीं है ना वो, प्रिज्म जब ये देखेगा वो ही बोलेगा, ठीक है स्टेक आउट। तो इसके आगे प्रिज्म लेके जाएं, वो देखो उसने अपना वो भी दे दिया है, क्या नाम है उसका, डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया कितने मीटर पे आपने डिस्टेंस पे जाना है, उतारा है 2121 जो है ना डिस्टेंस है, क्योंकि फर्जी कोऑर्डिनेट दिए हैं तो इसने फर्जी ही बताना है क्योंकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं है, ये हमारी स्टिक आउट है। जैसे ही हम प्रिज्म वहाँ रखेंगे एग्जैक्ट पॉइंट पे, यहाँ से हम क्लिक करें वो हमारा टारगेट पॉइंट जो है वो क्लिक कर देगा, भाई आपका पॉइंट यही है। इसी तरह आपने जब दूसरा पॉइंट करना है, यहाँ से स्केप जाएँ, यहाँ पे फिर पॉइंट नंबर चेंज करें, मिसाल के तौर पर 5 या 6 कर दें, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखें इसके, कीन कोई भी कोऑर्डिनेट लिख दें इसके, ठीक है। पॉइंट नेम 6 है, इधर लिखें इसके 2500 था, इधर 2600 कर दें, या 2500 जो ईस्टिंग है वो 2700 कर दें, लेवल यही रहने दें, कंट्रोल पॉइंट करें, स्टोर करें, स्टिक आउट करें, फिर वो बता रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप इसको 0-0 करें, हॉरिजॉन्टल एंगल 0-0 लाजमी करना है स्टिक आउट में, जैसे ही ये 0-0 हो गया वो खुद ब खुद तीर के निशान जो है उसकी तरफ हो जाएंगे, आपके पॉइंट की तरफ, ये आपका यही पॉइंट है। फिर आप इसके आगे प्रिज्म करें, इधर आपको वो आपका डिस्टेंस बता रहा है, इतने डिस्टेंस में आपने जाना है, इतने मीटर, ठीक है। उधर से एक्सेप्ट कर लें इसको, फिर नया काम करना है, स्टोर कर दें, फिर इधर अपना पॉइंट नंबर 7 दें, इसी तरह आप कोऑर्डिनेट दें इसके, अगर आपके पास पहले ही जॉब में है तो लिस्ट में जाएं, लिस्ट में जाके इसके कोऑर्डिनेट ढूंढ लें, जो भी पॉइंट आपने करना है तो साथ साथ नंबर देते जाएं, नंबर देते करके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये भी आपका हो गया स्टिक आउट और टोपो सर्वे, ये चीज़ इसके अंदर मेन है, और ये कोगो जो है ये भी स्टिक आउट के जरिए है, इन्वर्स है, पॉइंट है, ठीक है। ये भी एक ही काम है, जो मेन काम है फाइल जॉब बनाना कैसे है और सर्वे करना है, टोपो सर्वे कैसे है और स्टिक आउट कैसे है। अभी दूसरी फाइल में हम आपको बताएंगे कि फाइल ट्रांसफ़र कैसे की जाती है।